हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेशन कैटलिस्ट। और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। एंड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक छोटा सा क्विज। दिस क्विज इज फॉर होम साइंस। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके 2015 का जो आपका पेपर था उसमें आए गए थे। एंड द लेवल ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी फ्रॉम मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये क्विज। ठीक है, तो एक थोड़े से इंस्ट्रक्शंस हैं। आप एक अपना नोट पैड लेके बैठिएगा, ठीक है, और उसके अंदर जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा इट विल बी देयर फॉर 45 सेकेंड्स। और 45 सेकेंड्स ख़त्म होते ही आपको आंसर डिस्प्ले हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको सीधा उसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा जो आप रीड कर सकते हैं पॉज करके। ठीक है, कि क्यों आपका वो आंसर, वो जो ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर है वो क्यों है, या व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है जिसे आपको उस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो। इस पूरे वीडियो के अंदर या इस पूरे वीडियो सीरीज़ के अंदर हम पीछे वॉइस ओवर या नरेशन नहीं रख रहे हैं। द ओनली रीज़न इज़ कि आपको एक हैबिट हो, आपको एक प्रैक्टिस बने कि क्वेश्चन को रीड कैसे करना है। बिकॉज अभी तो मैं आपको रीड करके या कोई भी एजुकेटर अभी रीड करके आपको बता सकते हैं, समझ में आ जाएगा आपको, बट इन दी एग्ज़ाम टाइम आपको खुद ही उसको रीड करना है, राइट। वहाँ पर आलस नहीं आना चाहिए, ये रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसीलिए दिस इज़ दी अपॉर्चुनिटी कि आपको टाइम दिया गया है 45 सेकेंड्स का, उससे कम में करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और फिर आप खुद रीड कीजिए, खुद आंसर कीजिए एंड अकॉर्डिंगली प्रोसीड। ओके, तो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो यू कैन रीड इट एंड देन यू विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इट एंड उसके बाद उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन। ओके, so your time starts now. All right, 5 seconds are left. So let's come to the solution part of it. So here's the solution. As you can see, option D is the answer. And here is the description. You may pause the video and read the description. All right, now let's come to the second question. ठीक है, so here is it. अगर आपका सही उतने ही, मतलब 45 seconds में नहीं हो पा रहा है, तो you need to practice a lot of, you know, questions in a time bound manner. क्योंकि in the end exam जो होगा वो आपका बहुत ही limited time के लिए है ना, और बहुत सारे questions आपको attempt करने हैं, और अगर अभी से आपने practice नहीं की तो वहाँ पर जाकर आपको पैनिक हो सकता है, आपके क्वेश्चंस मिस आउट हो सकते हैं, तो वो ना हो इसीलिए ट्राई टू, यू नो, पुट अ टाइमर, 1 घंटा 2 घंटा लगा के बैठिए एंड ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। चलिए सेकंड क्वेश्चन के 45 मिनट्स शुरू होते हैं अब।
ऑल राइट गाइस, सो बी वॉज द आंसर। एंड अगर आपका टाइम पर नहीं हो पा रहा है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नहीं हो पा रहा है, या अगर हो पा रहा है तो कि आर यू एबल टू फिनिश इन टाइम। और 45 मिनट्स कम पड़ रहे हैं या ज़्यादा पड़ रहे हैं, बिकॉज इन सम क्वेश्चन यू विल फाइंड कि 45 मिनट्स से पहले ही हो गया है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें थोड़ा सा टाइम एक्सीड होता है, दैट कैन बी मैनेज्ड ऑन अ बिगर लेवल, है ना, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन करें। लेकिन अभी के लिए ट्राई टू कम्प्लीट इट इन 45 मिनट्स। ओके, इज रनिंग आउट। सो हियर इज योर डिस्क्रिप्शन, अगेन पॉज द वीडियो एंड रीड इट, ठीक है। एंड अब मैं ये बार बार बोलना बंद कर रही हूँ, ठीक है, बिकॉज आई होप यू नो द ड्रिल। अब तो समझ गए होंगे किस तरीके से क्वेश्चन आएगा एंड द आंसर विल कम अप, एंड उसके बाद फिर आपका डिस्क्रिप्शन आएगा, आई विल कम अप इन द एंड, एंड फिर उसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं। ऑल राइट,
ऑल राइट एवरी वन, आई होप आप सबने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे. ज़्यादा नहीं थे, दीज वर जस्ट 5 क्वेश्चन, बिकॉज वी वर टेस्टिंग कि कैसे बेहतर रहता है. तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन डिस्प्ले होना एंड देन यू ट्राई टू सॉल्व इट विद इन अ सर्टन यू नो लिमिटेड टाइम. क्या ये आपके लिए बेहतर था, क्या इससे आपको पता चला आपकी स्पीड कैसी है. और यस, साथ ही साथ अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आउट ऑफ 5 हाउ मेनी क्वेश्चंस वर यू एबल टू डू इट. ठीक है, क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, और भी जो भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया या यू वांट टू हैव यू हैव अ क्वेरी और वट एवर डू कॉमेंट. ठीक है, तो थैंक यू एवरी वन फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड अटेम्प्टिंग दिस क्विज. और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा जो ये एग्ज़ाम देने वाले हैं. और इसका अगर PDF चाहिए तो दैट विल बी अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल, राइट. एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, बिकॉज अब ये वाले क्विज हम वी आर ट्राइंग कि इस तरीके के क्विज आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा ला पाएँ एंड ऑल्सो इन अ स्पेसिफिक टाइम बाउंड मैनर, जैसे आज हम लोगों ने 45 सेकेंड्स के टाइमों पर किया. ठीक है, ट्राई टू इम्प्रूव योर स्पीड. और हाँ, कुछ भी चीज़ें हो तो बताइएगा ज़रूर. बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय.